हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे कैलेंडर में से इवेंट्स को डिलीट कर सकते हो अपने आईफोन में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सिंपल कैलेंडर को अपने ओपन कर लेना है, और कैलेंडर को आप लोगों को ओपन कर सकते हो आप लोग इजीली। सिंपल आप लोगों की यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर इजीली आपको मिल जाता है। ऊपर आपके पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपके पास ऑप्शन मिल रहा होगा आपको नवंबर आपके मंथ का। सिंपल आपको इसके ऊपर बैक के ऊपर टैप करना है। डाउन सेंटर में आपके पास ऑप्शन मिल रहा होगा कैलेंडर्स का। सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करना है, और इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आपके पास सारे इवेंट्स वगैरह मौजूद होंगे। सिंपल आप लोगों को जीमेल के ऑप्शन के अंदर आना है, और यहाँ पर बर्थडे, हॉलीडेज इन पाकिस्तान, ये सब इनेबल हुआ हुआ होगा। देन आपको ऊपर से डन के ऊपर टैप करना है, एंड देन आप लोगों को होम बटन के ऊपर टैप करना है। होम बटन के ऊपर टैप करने के बाद आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और यहाँ पर आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिल रहा होगा फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सिंपल आपको इसके अंदर आना है, और इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होंगे बहुत सारे कि आप लोग यहाँ पर अल्टरनेट कैलेंडर को यूज़ कर लीजिए, और डिफ़ॉल्ट कैलेंडर यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। सिंपल आपको अकाउंट्स के अंदर आना है, और अकाउंट्स के अंदर आने के बाद आपको आई क्लाउड या फिर जीमेल जिसके भी अंदर आप लोगों ने इवेंट क्रिएट किया हुआ है, सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करना है। और यहाँ पर आकर आप लोग ईजिली, जैसे कि हम इसके अंदर आते हैं, तो यहाँ से हम कैलेंडर्स को ऑफ कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे आईफोन में से जो इवेंट्स वगैरह हैं वो डिलीट हो जाएंगे जो हमारी जीमेल आईडी के ऊपर होंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।